बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IAS 23 बोरिंग कॉस्ट में से एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। अब एग्जांपल नंबर 6 की रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट एंड एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। मैं आप लोगों ने सिर्फ बोरिंग कॉस्ट नहीं बतानी, टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के अंदर जितनी भी इस साल में एडिशन होगी ना, आपने वो सारी बतानी है। इसका मतलब ये है, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं आपने वो भी साथ में बतानी होती है। इधर क्या अब तक हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना टोटल एक्सपेंस कर चुके हैं और उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट बताई जाएगी। अब जब इसने कह दिया कि भाई कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करके देना है, तो बेटा कैपिटलाइजेशन रेट हमेशा जर्नल बोरिंग्स के ऊपर होता है, तो ये सारी फिर जर्नल बोरिंग्स हमारे पास होंगी। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज 3 सोर्सेज ऑफ बोरिंग्स, 7-ईयर लोन, 10-ईयर्स लोन एंड बैंक ओवरड्रॉफ्ट। ये 3 चीजें आपके पास शामिल है। एवरेज लोन इन द ईयर, और आपको बताया इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड इन द ईयर, और साथ में उनका इंटरेस्ट रेट बता दिया। देखें, एवरेज लोन इन द ईयर मतलब बेटा आपको वो ये नहीं बता रहा कि लोन की अमाउंट कितनी है, ये नहीं बता रहा। एवरेज लोन मतलब वेटेड एवरेज, उसने इस लोन की अमाउंट को आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया और आपको एवरेज रेट बता। ये बात समझ आ गई, एवरेज बोरिंग आपको बता दी। अब आपको टाइम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और अब अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन करनी हो, तो इसके लिए हमेशा एवरेज लोन को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एवरेज लोन को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो देखो इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई है। अब ये ना भी बताता तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9% 900,000 एंड 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 18% इज इक्वल टू 900,000। ये आपके पास आ गए। फिर कहता है 7-ईयर लोन हैज बीन स्पेसिफिकली रेज्ड टू फंड द बिल्डिंग टू अ क्वालिफाइंग एसेट। अब यहां पर उसने बता दिया कि भाई ये जर्नल बोरिंग्स नहीं है, ये स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं, तो ये कैपिटलाइजेशन रेट में यूज नहीं होंगे। स्पेसिफिक बोरिंग्स कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन में यूज नहीं होती रहती। नेक्स्ट क्या, और सबसे पहले इन्होंने यूज होना है जब हम लोग फंड रेज करने लगे, एक्सपेंस करने लगेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, सबसे पहले इसमें से करेंगे। फिर कहता है साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोजेक्ट फंडेड फ्रॉम जर्नल बोरोइंग्स। अच्छा, अब उसने बेटा आपसे ये नहीं बताया कि टोटल कितना हो गया, मतलब स्पेसिफिक बोरिंग्स हमारी खत्म हो चुकी होंगी या उनको यूटिलाइज कर चुके होंगे। कहते ये वाली जो आए हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास जर्नल बोरिंग्स में से है, ये तमाम एक्सपेंसेस जर्नल बोरिंग्स में से हम लोग कर रहे हैं। 31 मार्च को, 31 जुलाई को एंड 30 अक्टूबर को। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2016। तो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने ये कर। अब जब आप जाएंगे ना इसका कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने की तरफ, तो कैपिटलाइजेशन रेट के लिए बेटा जो आपने बोरिंग्स लेनी है, एवरेज बोरिंग्स, वो ये हैं आपके पास। और ये टोटल एवरेज बोरिंग्स आपके पास कितनी आ गई? 15 मिलियन, राइट। और आपके पास इनके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट, आपने ये इंटरेस्ट की अमाउंट ले ली है, और आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ गई? 1.8 मिलियन। अब जाकर आप इसकी एवरेज फाइंड कर लें, 1.8 डिवाइडेड बाय 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये देखें कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। कोई इशू? अब हम लोग चलें बोरिंग कॉस्ट की तरफ। बेटा बोरिंग कॉस्ट में ना ये एवरेज लोन गिवन था 8 मिलियन का। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये 1 मिलियन हमने 8 मिलियन से पे किया होगा,
क्योंकि उसने स्पेसिफिकली आपसे कह दिया कि मैं जो आपको एक्सपेंस बताने जा रहा हूं, ये एक्सपेंस हम लोगों ने जर्नल बोरिंग से किए हैं, तो आपने इनके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है कि मैं हर अमाउंट को अलग अलग लेके जाऊं। 31 मार्च मतलब मैं कैलकुलेट ना करूं, 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक किसी किस्म की कोई स्टॉपेज नहीं है वर्क में, मतलब कंसेक्टिव चल रहा है। अगर होती तो हमें बता देता कि ये सस्पेंशन मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक 9/12, फिर 31 जुलाई 5/12, 30 अक्टूबर 2/12। अब ये अमाउंट देखिए हमारे पास किस तरह से आएंगी, 90, 60,000, 16,000, 166। ये बात सबको क्लियर हो गई, ओके है। अच्छा अब देखें, उसने आपसे कहा कि एक तो कैपिटलाइजेशन रेट बताओ, हमने बता दिया 12%। दूसरा कहता है एडिशन इन वर्क इन प्रोसेस। बेटा स्पेसिफिक के बारे में अगर उसने कोई बात नहीं की, आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है। वो स्पेसिफिक लोन हो सकता है प्रीवियस ईयर यूटिलाइज हो चुका हो, तो प्रीवियस ईयर वो हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बन चुका है, और इस मतलब वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के बैलेंस ब्रॉड डाउन में शामिल है, आपको शामिल करने की जरूरत नहीं। ओके हो गई है बात, ओके हो गई है बात। आप जर्नल बोरिंग्स को आकर देखेंगे इसके कि हम लोगों ने मजीद कितना एक्सपेंस किया, तो मजीद एक्सपेंसेस ये देखें, ये हमारे पास आ गए, ये टोटल 166,000 इनके ऊपर जो जर्नल बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट आया। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। साथ में देखो हम लोगों ने टोटल कितना एक्सपेंस किया इस साल, 3 मिलियन, तो वो 3 मिलियन भी इसका पार्ट बन जाएगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में इस साल कितनी अमाउंट जाएगी, 3,16,000। ऑल क्लियर, क्लियर, गुड, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 7, कैलकुलेट द जर्नल वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट, मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, एंड एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट फॉर कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन देखें। अच्छा बेटा यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आप लोगों के कोई एमसीक्यूज नहीं है कि आप लोग एक रफ सी वर्किंग करेंगे और जल्दी से आंसर लिख के दे देंगे और आपको वो 100% मार्क्स उठा के दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, आपने एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बतानी है और हर एक चीज उसे लिख कर देनी है, तब जाके उसने आपको मार्क्स दे देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सपोज कैपिटलाइजेशन रेट है 12%, हम लिख दें कैपिटलाइजेशन रेट इज 12% और उसे कुछ ना बताएं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, उसने आपको मार्क्स नहीं देने, चाहे वो 12% ठीक ही क्यों ना हो। ओके, ऑन 1st January 2018 सारा लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट टू मीट द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, बोरोइंग्स वाज मेड फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एज फॉलोज, 70, 60, 50, ये लोन की अमाउंट, इंटरेस्ट पर एनम ये मिल गया। The funds were used on the assets as follows: 1st January को 30, 1st May को 20, October 1st को 15. The construction of the asset was completed on 31st December 2018. Capitalization rate पूछा, तो लाजिम बात है ये हमारे पास जर्नल बोरिंग्स हैं, कहीं पे कुछ नहीं बताया कि कुछ स्पेसिफिक बोरिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें जर्नल बोरिंग्स हैं हमारे पास, तो वेटेड एवरेज हमें लोन की जरूरत है, 1st January से लेकर 31st December तक लोन मौजूद है। उसने आपको बता दिया था कि ये लोन फ्रॉम द बिगनिंग आपके पास मौजूद है, राइट, तो पूरा साल रहे, तो लोन की अमाउंट और उनकी एवरेज में कोई फर्क नहीं है। ये आपके पास टोटल आ जाएंगे, ये टोटल 180,
अब ये जो वर्किंग मैं इधर कर रहा होता ना, ये आप लोगों ने अपने पास ऐसे ही लिखनी है कि बैंक एबीसी लोन अमाउंट दिस, इंटरेस्ट रेट दिस, और इंटरेस्ट अमाउंट इज इसका 10% 7,000, 8% 48,000, 100 ये 7,000 था, ठीक है, 12 6,000 टोटल, डिवाइडेड बाय 180,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये रहा। हाँ जी बता देंगे, या तो आप इसी तरह से टैबुलेशन कर लिया करें या आप इस तरह से कर लिया करें, आप पे डिपेंड करता है, क्लियर है ये बात। अब आपने ये वाला रेट यूज करना है 9.89, अब इसके ऊपर भी 9.89 मल्टीप्लाइड बाय 9.89 मल्टीप्लाइड बाय 9.89% मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 जनवरी से, ये तो पूरा साल, इसके साथ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा साल आ जाएगा। 1 मई से 7/12, अक्टूबर 1 3/12, तो देखिए ये अमाउंट आपके पास क्या आ जाएंगी जी, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.89% जी 2,967, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.89 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 1,153, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.89 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 क्या मई, फर्स्ट मई जून और 8/12, ये 8/12 ये अमाउंट सही लिखा, ये 8 के हिसाब से 7 के जी 1,319 जी, नेक्स्ट 3,7,1, अब इनको ऐड कर लें, फोर 6,5,7 ये बोरिंग कॉस्ट है आपके पास, 4,6,5,7 तमाम बच्चों को समझ आ गई, और इनको एक कैमुलेट करके भी रखा जा सकता था, कर लेंगे वो गुड। अब हम लोग चलते हैं बेटा कैपिटलाइजेशन पीरियड एंड डिस्क्लोजर्स, कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट किस दिन जाके करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आईएस 16 के अंदर आप लोग कहते हैं ना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि हम लोग एसेट्स को रिकॉर्ड किस दिन जाके करेंगे, तो उसके लिए दो कंडीशंस थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। फिर हमें पता चलता है कि हम लोग ने डेप्रिशिएट कब करना स्टार्ट करना है, तो हमने कहा था कि व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज तब डेप्रिशिएट करना शुरू करना है। इसी तरह से बोरिंग कॉस्ट के अंदर हम लोग ने देखना है कि हमने उसकी कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कब करना है। अब ऐसा हो सकता है हम लोन पहले ले लें, कंस्ट्रक्शन बाद में हो रही हो, कंस्ट्रक्शन पहले से हो रही हो लोन बाद में जाकर लें, हो सकता है कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई लोन भी ले लिया लेकिन अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया, तब हम लोगों ने क्या करना है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कब करना है, और जिस पीरियड में वो कैपिटलाइज नहीं हो रही वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, मतलब एक साल के कुछ पोर्शंस को कैपिटलाइज कर देंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो सारे का सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। मैं अगर सपोज कि मैंने लोन ले लिया जनवरी को,
लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट की 1 मार्च से, तो जनवरी और फेब का इंटरेस्ट बैंक वाले तो मुझसे लेंगे, बैंक वालों को पे भी करूंगा, ये मेरा एक्सपेंस होगा, ये हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट को चार्ज नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है ये बात? अब इसके क्राइटेरिया को देखें, कहते हैं एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट ऑन द, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई आपने कब स्टार्ट करनी है, आपने कहना कमेंसमेंट डेट पर, जब कमेंसमेंट डेट का पूछा जाए तो आपने आगे बताना है, अदरवाइज कैपिटलाइजेशन किस दिन स्टार्ट होगी, ऑन कमेंसमेंट डेट। तो अब कमेंसमेंट डेट को आइडेंटिफाई करना है, तो कहते हैं द कमेंसमेंट डेट फॉर कैपिटलाइजेशन इज द डेट व्हेन द एंटिटी इज फर्स्ट मीट ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा आप देखें यहां पे ये नहीं कहा गया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा नहीं है, ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, और टोटल कंडीशन क्या है हमारे पास, 3 कंडीशन। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये कंडीशंस आइडेंटिफाई करवानी है, जहां पर एम्बिग्विटी आ जाए इन केस, वैसे नहीं होती, वहां पर आप अपनी अजम्पशन लेंगे और अपनी अजम्पशन के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो अजम्पशन आप डिस्क्लोज करोगे, आप उसे बताओगे। सपोज कि कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें नहीं बताया गया, हमें ये कहा गया इस डेट को हमने लोन लिया, इस डेट को हम लोगों ने पेमेंट कर दिया और आगे उसने अपनी स्टोरी शुरू कर दी, उसने नहीं बताया कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई थी, उसने सिर्फ यह बता दिया कि कंस्ट्रक्शन एंड किस डेट पर जाकर हुई थी। तो हम नोट ले लेंगे कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं जिस दिन लोन लिया गया उस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए, राइट? तो हम कमेंसमेंट डेट का इंतखाब कर लेंगे, चूज कर लेंगे उसको, ये बात क्लियर। लेकिन जहां पर भी अपनी अजम्पशन लो पेपर में बताओ उसे कि भाई मैंने ये अज्यूम किया, मैं कमेंसमेंट डेट को ये डेट इसलिए कंसीडर कर रहा हूं। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन कहता है इट इनकर्स एक्सपेंडिचर्स रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स फॉर द, मतलब हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को पे कर चुके हों कंस्ट्रक्शन के लिए, जब तक हम उसे फर्स्ट पेमेंट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता रहता। अब किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करे ना इस किस्म का, वो आपसे एडवांस अमाउंट जरूर लेता है, किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो वो आपसे एडवांस अमाउंट जरूर लेगा, तभी उसे पता होता है कि भाई आप लोग सीरियस हैं और उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो भी सीरियस हो जाता है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे बाद में पेमेंट ना करें, आपके इरादे चेंज हो जाए, तो पेमेंट करना एक हमारे लिए ये बात होती है कि अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तो कहते हैं कि आप उसके ऊपर एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर चुके हो। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लोन ले चुके होते हैं, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवा देता है, एक्सपेंडिचर बाद में हो रहा होता है, तो जिस दिन एक्सपेंडिचर होगा ना फर्स्ट एक्सपेंडिचर, उस दिन कमेंसमेंट डेट है और उसके बाद कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। क्लियर? फिर क्या कहता है, कहते हैं इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट। अब बेटा अगर किसी किस्म का इंटरेस्ट फ्री लोन है, मेरा अपना पैसा यूज हो रहा है, क्या मैं अपने आप को इंटरेस्ट दूंगा? तो भाई मैं कैपिटलाइज भी कुछ नहीं करूंगा, बोरिंग कॉस्ट भी स्टार्ट हो चुकी हो, मतलब जिस दिन लोन लूंगा बोरिंग कॉस्ट उसी दिन से स्टार्ट होगी। कैसा हो सकता है कि मैंने कंस्ट्रक्शन की 1 जनवरी से, लोन ले रहा हूं 1 मार्च को, क्या जनवरी और फेब को कैपिटलाइज करूं? कमेंसमेंट डेट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने लोन बाद में लिया तो बोरिंग कॉस्ट जनवरी और फेब में है ही नहीं, उस टाइम पे मैं अपना पैसा यूज कर रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, इट अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, और कॉन्ट्रैक्टर ने उसके ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म कर दी हो, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हो। इससे लास्ट वाले से मुराद है कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके, फर्स्ट वाले से मुराद है पेमेंट कर चुके हो, सेकंड वाले से मुराद है लोन ऑब्टेन कर चुके हो, थर्ड वाले से मुराद है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हो। जब ये तीनों कंडीशन मीट हो जाए जिस डेट पर, वो आपकी कमेंसमेंट डेट।
राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, अब इस पैसेज को सिर्फ ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ लेना। कहता है द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर सेल्ड इनकम्पासेस मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। अब देखें, फिर से देखें, एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर सेल्ड इनकम्पासेस मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। दिस इंक्लूड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रियर टू कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन सच एज द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग परमिट्स प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कहा कॉन्ट्रैक्टर से ये पीस ऑफ लैंड है, इस पर हमें फैक्ट्री बिल्डिंग बना कर दें। ऐसा नहीं है कि अगले दिन वो मिस्त्री मजदूर लेकर आ जाएगा और फैक्ट्री बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। शहरों में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लाहौर की एग्जांपल लें, एलडीएस अप्रूवल लेना पड़ता है, उससे पहले हमें नक्शा बनवाना पड़ता है आर्किटेक्ट को, वो नक्शा भी पहले अप्रूव होगा उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्टार्ट में आके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो आपसे कह रहे हैं कि वो जो बात हमने आपसे कही एक्टिविटीज की, तो इससे मुराद फिजिकली आगे कंस्ट्रक्शन नहीं है। इससे मुराद अगर आप परमिट लेते हैं, इजाजत लेना शुरू कर देते हैं, आप आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना शुरू कर देते हैं, तो भी हम यही समझेंगे कि एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर? मतलब फिजिकल कंस्ट्रक्शन तो अभी नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको परमिट ना मिल जाए। कंस्ट्रक्शन का आप नहीं कर सकते, आप नहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते जब तक आपके पास मैप ही ना हो, नक्शा ही ना हो आपके पास, ये बिल्डिंग बनानी कैसे है। लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट से ले चुके हो, उससे कमिटमेंट कर चुके हो कि भाई आपने हमें ये नक्शा बना कर देना है, एलडीए से आप अप्रूवल लेने के लिए अपनी एप्लीकेशन दे चुके हो, तब भी समझ लेना कि आप एक्टिविटीज स्टार्ट कर चुके हैं। इस पैसेज में कोई मसला? हाउएवर सच एक्टिविटीज एक्सक्लूड The holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. For example, borrowing cost incurred while land is underdeveloped or capitalized during the period in which activities related to the development are being undertaken. However, borrowing cost incurred while land acquired for building is held without any associated development activities do not qualify for capitalization. Land and building, land को कभी construct नहीं करोगे, manufacture भी नहीं करोगे, produce भी नहीं करोगे, तो land qualifying ऐसे नहीं। Land acquire करोगे, land के ऊपर क्या borrowing cost को capitalize नहीं करोगे। और अगर लैंड की कोई डेवलपमेंट वगैरह आप कर रहे हैं सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ लैंड, तो भी आप लोग उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। लेकिन आपने एक पीस ऑफ लैंड लिया, पर्पस था उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का, लैंड की एक्विजिशन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। लेकिन हमने बिल्डिंग को अलग से रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि उसने डेप्रिशिएट भी होना होता है, लैंड को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो कहते हैं अगर लैंड की इंप्रूवमेंट्स या डेवलपमेंट्स बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट है, तब आप लोगों ने उसको बोरिंग कॉस्ट के तौर पर लेकर आ, तब वो क्वालिफाइंग एसेट है, अदरवाइज नहीं। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, बेटा बाज़ औक़ात ऐसा होता रहता है कि हम लोग कमेंसमेंट डेट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, क्वालिफाइंग एसेट है, कमेंसमेंट डेट क्राइटेरिया मीट कर चुका, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन शुरू हो चुकी है और ये हमारे पास स्टार्ट हुई सपोज के 1 मार्च को, और हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हो रही है 31 दिसंबर को। कितना अर्सा चलती रही कंस्ट्रक्शन? 1 मार्च से 31 दिसंबर 10 मंथ्स तक कंस्ट्रक्शन होती रही है। हम 10 मंथ्स को कैपिटलाइज करेंगे अगर इसमें किसी किस्म की कोई सस्पेंशन ना हो तो।
अब सस्पेंशन दो तरह की हो सकती है, कुछ ऐसी होती हैं जो नेसेसरी होती हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, और कुछ ऐसी होती हैं जो बाय फोर्स आ जाती हैं, जो बाय लॉ आ जाती हैं। अगर है नेसेसरी सस्पेंशन तो आपने इसको अकाउंट फॉर नहीं करना, मतलब आपने उसको ऐसे समझना जैसे सस्पेंशन है ही नहीं। नेसेसरी सस्पेंशन है तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, आप कैपिटलाइजेशन को नहीं रोकेंगे। नेसेसरी सस्पेंशन से क्या मुराद है, आपने अक्सर देखा होगा जब हम लोग बिल्डिंग बनाने लगते हैं, चार दीवारी करने के बाद छत लेंटर की डाली जाती है, लेंटर करने के बाद 15 दिन का गैप दिया जाता है, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लेंटर के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा फुल पानी से भरा हुआ होता है, भाई उसे उतना अच्छा चाहिए, अगर आप उसे वो टाइम नहीं देंगे तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, आपकी बिल्डिंग किसी काम की नहीं है। ये जरूरी सस्पेंशन थी, आप उन 15 डेज में आपके मिस्त्री मजदूर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ना तो आप प्लास्टर करवा सकते हैं, सारी गीली हैं दीवारें वगैरह, छत से पानी टिपक रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम हो सकता है, ये नेसेसरी सस्पेंशन है। ये 15 डेज आप कैपिटलाइजेशन करते रहोगे, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन कुछ सस्पेंशन ऐसी आती रहती है कि भाई एलडीए ने आपको मना कर दिया कि भाई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साथ वाले आपके हमसाये तंग हो रहे हैं और उन्होंने आपकी इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे ले लिया, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हम वो केस लड़ने लग गए। अब बिल्डिंग ने हमें थोड़ी कहा था कि भाई रोक दो काम, अब ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए नेसेसरी नहीं था, ये हमारे ऊपर एक किस्म के इस किस्म की एक सस्पेंशन आ गई, रुकावट, हमें रोक दिया गया काम करने से। अब हम क्या करेंगे, जितना अरसा वो केस चलता रहेगा वो टाइम पीरियड हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्लियर। सपोज 1 अगस्त को एलडीए ने हमें मना कर दिया, हम फिर उसके अगेंस्ट उस केस को हम लोगों ने फाइल किया और थर्ड और हमारे पास अगस्त के एंड पर जाकर हमें परमिशन मिल गई दोबारा से कंस्ट्रक्शन की। अब बेसिकली 10 मंथ्स कैपिटलाइज नहीं होंगे, 9 मंथ्स कैपिटलाइज होंगे, और वो जो अगस्त के मंथ का अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है तो वो रेवेन्यू नेचर आपका एक्सपेंस बने, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ चुके हैं? तो सस्पेंशन कुछ इस तरह से है, एन एंटिटी शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन, अगर काम में सस्पेंशन है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट में भी सस्पेंशन, उसको भी फिर रोक दो, क्लियर। शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिविटीज डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। बेटा सस्पेंशन से मुराद काम का बिल्कुल रोक देना नहीं होता, सस्पेंशन से मुराद होता है टेम्परेरीली काम को रोक दो। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई इस पुलिसमैन को इतने अरसे के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मतलब ये नहीं है कि उसकी जॉब चली गई है, बस ये है कि उसको उस अरसे की इनकम नहीं मिलेगी। सस्पेंड करने का ये मतलब है कि भाई 2 महीने के लिए आप घर में बैठे, आपको आने की भी जरूरत नहीं है और आपको 2 माह की हम इनकम भी नहीं देंगे, हाँ जैसे 2 माह पूरे हो फिर आ जाता, ओके। तो सस्पेंड करने का ये मतलब है कि टेम्परेरी बेसिस के ऊपर आप स्टॉप कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है ये। इसी तरह से जब उसको सस्पेंशन में इनकम नहीं मिल रही तो एसेट को सस्पेंशन में आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करता, राइट। नेक्स्ट देखें, एन एंटिटी डज नॉट नॉर्मली सस्पेंड कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट, कहते हैं नॉर्मली बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड नहीं करते, कब, ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन इट कैरीज आउट सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर किसी किस्म का कोई टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह साथ साथ चल रहा है, आपने उसको फिर सस्पेंशन कंसीडर नहीं करना, तो फिर कैपिटलाइजेशन स्टार्ट रखनी है आप लोगों ने। एन एंटिटी आल्सो डज नॉट सस्पेंड कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट व्हेन अ टेम्परेरी डिले इज
necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale. Necessary है अगर suspension, तो उस situation में भी आपने capitalizing of borrowing cost को continue रखना है, उसको suspend नहीं करना. अब इसकी example दे रहे हैं, capitalizing continues during extended period that high water levels delay construction of a bridge. If such high water level are common during the construction period in the geographical region involved. हम लोग ना एक ब्रिज बना रहे हैं और वहां पर हमारे पास लाजिम बात है ब्रिज बना रहे हैं तो दरिया है या नहर है कुछ भी इस तरह का तो उसके ऊपर पानी का बहाव तो चल रहा है. अब अगर कुछ ऐसा होता रहता है कि कभी पानी का लेवल हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे होती है जब पानी का लेवल लो हो. लेकिन अगर ये नॉर्मल सिचुएशन हो कि यहाँ पर पानी का लेवल अक्सर हाई भी हो जाता है, मिस्त्री मजदूर काम नहीं करेंगे. अब उस टाइम पीरियड तक जब तक उस वाटर लेवल हाई है उस ब्रिज का, लाजिम बात है सस्पेंशन चल रही है, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की सस्पेंशन नहीं है. क्योंकि भाई ये जरूरी है कि हाई वाटर लेवल के ऊपर आप काम नहीं करवा सकते. ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ओके, तो आपको किसी और ने नहीं रोका. ये तो नॉर्मली चलता ही ऐसा है कि जब सिचुएशंस होंगी कंस्ट्रक्शन की तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे, अदरवाइज हाई वाटर लेवल पर कंस्ट्रक्शन करोगे जाकर तब भी आपका ही नुकसान है, ब्रिज कितना असर कर जाएगा. ये बात क्लियर? तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो ना कि स्टॉपेज ऑफ वर्क आ रहा हो नेचुरल, तो आप लोगों ने वहां पर कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखना है, आपने उसको अपनी सस्पेंशन कंसीडर नहीं करना. अब एग्जाम में वो इसी तरह से स्टोरी क्रिएट करके देगा कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक सस्पेंशन रही ड्यू टू दिस रीजन बता दे. उस रीजन में हमें बताना होगा कि भाई हम कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड करें या ना करें, उस रीजन से. तो आपको यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता दी कि अगर नेसेसरी है हमारे पास सस्पेंशन या अगर कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह इस तरह से कुछ आ जाता है तब आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज सस्पेंड कर. क्लियर? कोई इशू इधर? हम लोगों ने ये सीख लिया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कब स्टार्ट करनी है एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कब उसको सस्पेंड करना है, मतलब टेम्परेरीली स्टॉप करना है. अब हमने ये देखना है कि कैपिटलाइजेशन को हम लोगों ने एंड किस दिन जाके करना है. तो एंड के लिए आपको याद होगा ये 16 ने ये कहा था कि डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे when asset is available for use, am I right? लेकिन borrowing cost कहता है कि आप capitalization को stop कर दोगे जब substantial construction complete हो चुकी हो. मैं 100% की बात नहीं की, available for usage की बात नहीं की, कहते हैं जब आप एक substantial portion complete कर चुके हो, मतलब घर बनवाना था, घर बन चुका है हमारा बिल्कुल, अब क्या है थोड़ी बहुत कोई डेकोरेशन की चीजें रहती हैं, उसकी कोई सफाई सुथराई रहती है, कुछ इस किस्म का काम है, छोटा छोटा सा काम रहता है, कहते हैं यार इसके ऊपर टाइम ना वेस्ट करना, बस तुम्हारा घर रेडी है. क्लियर? और यहां पर मुराद होता है कि अगर 95% से ज्यादा काम हो चुका है तो मतलब सब्सटेंशियली कंप्लीट है. अब देखें क्या कहते हैं एन एंटिटी शेल, अब इसे क्या लिखता है वो सीज, सस्पेंड का मतलब होता है टेम्परेरी रोको, बाद में फिर शुरू कर देना, और सीज का मतलब है सील कर दो आप, परमानेंटली स्टॉप, इसके बाद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, ये एंड है इसका, बस यहीं तक. जैसे आप लोगों ने आईएस 16 में पढ़ा था कि उसने आपसे कहा था कि लोकेशन एंड कंडीशन और इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट वगैरह इस किस्म की सारी बातें, कहते हैं कि एसिड अवेलेबल फॉर यूजेड कंडीशन में अगर आपके पास आ जाता है वहां तक की कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है,
उसके बाद आप कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे, I-16 ने कहा था। तो बोरिंग कॉस्ट भी ये कह रहा है कि आपने बोरिंग कॉस्ट को सीज कर देना है, मतलब यहां तक कैपिटलाइज करोगे, उसके बाद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। कहां तक कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। उसने ये नहीं कहा कि 100% कंप्लीट, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप उसमें पता नहीं क्या क्या अब चेंजेस लाते रहेंगे, डेली बेसिस पे लेके आते रहेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या सब्सटेंशियली तमाम एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। जब आप ऐसा देख लें, मतलब वो एसेट यूज करने की कंडीशन में हो, या अगर आप सेल कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री वो उस हालत में भी सेल करने की कंडीशन में मौजूद हो, तो आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को सीज कर देना है। नेक्स्ट, एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट इज कंप्लीट, इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल ये सब्सटेंशियली कंप्लीटेड के बारे में उसने कहा कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के कोई काम शाम बाकी है तो आप सीज कर दो कैपिटलाइजेशन को जैसे ही फिजिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। इफ माइनर मॉडिफिकेशन सच एज द डेकोरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी टू द परचेजर्स और यूजर्स स्पेसिफिकेशन, कि जिसने परचेज करना है या जो उसको यूज करने वाला है उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कस्टमाइज हालत में उसे बना कर दे रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये माइनर मॉडिफिकेशन हैं, आपने इस टाइम ड्यूरेशन में कैपिटलाइजेशन नहीं करनी। और ऑल दैट आर आउटस्टैंडिंग दिस इंडिकेट्स दैट सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीट, माइनर मॉडिफिकेशंस को आपने नहीं देखा। इसी तरह व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स इन पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड सेपरेटली, जैसे हम लोग बड़े बड़े प्लाजे बना देते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं, ग्राउंड फ्लोर, इवन के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हर पार्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई अगर कर सकते हो तो आप लोग हर पार्ट के लिए कैपिटलाइजेशन अलग अलग करो। इवन के जब ये फ्लैट्स बनाए जाते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बिल्डिंग्स के ऊपर, हर फ्लैट के अलग से सेल हो सकता है, हो सकता है, तो आपके पास वो बेसिकली एक डिफरेंट एसेट है, आप उसको अलग से ट्रीट करो। वो अगर कंप्लीट हो गए उसकी कैपिटलाइजेशन उधर ही रोक दो, नेक्स्ट के ऊपर चले जाओ। आपने अक्सर बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जैसे ही तैयार होता है ना तो वहां पे बिजनेस स्टार्ट हो जाते, जबकि उसके ऊपर जो फ्लैट्स होते हैं ना वो अगले 3-4 साल तक भी बनते रहते हैं, लेकिन वहां पे सब कुछ बिजनेस वगैरह चल रहे हैं। तो भाई उनके लिए कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर दो, बाकी जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी कैपिटलाइजेशन को कंटिन्यू, राइट। तो वो आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जरूरी नहीं कि आपका एक एसिड एक ही पार्ट में कंस्ट्रक्ट हो जाए, अगर आपके एसिड पार्ट्स में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और उन पार्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकती हो तो हर पार्ट को अलग अलग जाके ट्रीट करो। Capable of being used separately while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalizing borrowing cost when it completes substantially all the activities necessary to prepare that part for its intended use or sale. कोई इशू क्या, ये समझ आ गए आप लोगों को? अब example number 8 पढ़े जरा। अब business park comprising several buildings, each of which can be used individually. ये जो parks वगैरह बनाई जाती है ना, इसमें भी आप देखें तो cafeteria अलग से होता है, admin department अलग से मौजूद होता है, उसके लिए अलग से building वगैरह मौजूद होती है, इसी तरह से बाकी केज वगैरह जो बनाए जाते हैं, और ये सब कुछ different different identify भी हो सकते हैं,
तो कहता है कैन बी यूज इंडिविजुअली इन एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफाइंग एसिड फॉर विच ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूजेबल व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज टू अदर पार्ट। अब सपोज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए कैपिटलाइजेशन सीज कर दो, जबकि अगर आपके पास बाकी चीजें अभी बिल्डिंग वगैरह कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन जारी है, उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज फॉर ईच पार्ट व्हेन दैट पार्ट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट इवन दो द वर्क ऑन अदर पार्ट्स कंटिन्यूस। आई होप ये पॉइंट समझ आ चुका होगा आप सब बच्चों को, एग्जाम में पूछ लेगा तो आप आंसर कर पाएंगे उसे। जितना न्यूमेरिकली पोर्शन इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा थ्योरेटिकली पोर्शन इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप ले लेते हैं तो आपके लिए पेपर को पास करना बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल 9, एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर एनी पार्ट कैन बी यूज्ड इज एन इंडस्ट्रियल प्लांट इन्वॉल्विंग सेवरल प्रोसेस which are carried out in sequence at different parts of the plant within the same site such as a steel mill. In such case, capitalization of borrowing cost shall cease when the whole asset is... हम लोग एक प्लांट बना रहे हैं, काफी बड़ा प्लांट है, उसके हर पार्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई भी कर, जैसे गाड़ी की एग्जाम्पल ले लें, गाड़ी का इंजन अलग से बन गया, गाड़ी का जो इंटीरियर है बॉडी है वो अलग से बन गई, गाड़ी का एक्सटीरियर जो उसका फर्नीचर कोई सीटिंग कैपेसिटी वगैरह वो अलग से रह गया, क्या हर पार्ट को अलग से यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां पर अगर इंजन कंप्लीट भी क्यों ना हो जाए तब भी कैपिटलाइजेशन को सीज नहीं कर सकते, ये उस टाइम पे सीज होगा जब ये तीनों मिलकर एक यूनिट ना बना लें। जब तक ये कंप्लीट गाड़ी ना बन जाए तब तक कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल पार्ट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं लेकिन उनको यूज नहीं कर सकते, तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक के सब्सटेंशियली कंप्लीट यूनिट्स हमारे पास तैयार हो। राइट एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं व्हेन कोड लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट, मतलब कमेंसमेंट डेट बतानी है हम लोगों ने। फिर कहता है शुड कोड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजिंग फ्रॉम April 25th टू May 9th, शुड कोड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम May 23rd टू May 30th, When Cod Limited should cease to capitalizing? एक तो हमने उसे बताना है कि capitalization start कब करो, फिर हमने उसे को suspension का बताना है कि suspension करो या ना करो, और फिर बताना है cessation का कि capitalization को cease कब जाके करो। Right? अब उसके लिए आप इस question को गौर से पढ़ें पहले। Cod Limited is engaged in manufacturing of automobiles. Currently, the company is manufacturing its power generation plant. So, बेटा ये qualifying acid होता है, power generation plant. फिर क्या? अब यहाँ से पता चल गया कि है हमारे पास एक qualifying acid. Project was started on January 3, 2011, with company's own funds. सबसे पहले कंपनी हमेशा अपने funds use करेगी। अगर उसके बाद देखें तीन ऑप्शंस हैं, अपने फंड्स, स्पेसिफिक बोरिंग, जर्नल बोरिंग, और अगर एट अ टाइम तीनों अवेलेबल हैं सबसे पहले कंपनी ने अपना फंड यूज करना है। क्लियर? उसके बाद स्पेसिफिक वो भी खत्म हो जाए तो जर्नल की तरफ जाएंगे। अब देखें सब्सिक्वेंटली कोड लिमिटेड बोरोड अ लोन फ्रॉम ZBL बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट ऑन February 22, 2011. Construction कब start हुई? 3rd January. Loan कब obtain किया?
FAB 22, तो बोरिंग कॉस्ट भी तो FAB 22 से हुई होगी, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड FAB 22 से हुई होगी। फिर द फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ द लोन वाज मेड ऑन 4th मार्च, और जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ वो किस दिन हुआ? 4th मार्च। पहला क्या था हमारे पास, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या था? वैन कॉर लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट। हाँ जी बताएं क्या होना चाहिए, FAB 22 क्यों होना चाहिए जबकि फर्स्ट एक्सपेंडिचर तो मार्च फोर्थ में हो रहा है, क्योंकि उसने आते कहा कि मार्च फोर्थ में स्पेसिफिक लोन में से मैं एक्सपेंस कर रहा हूं। पहले उसने अपने फंड यूज किए थे, तो क्या पहला एक्सपेंस कर नहीं चुका होगा अपने फंड में से? पहला एक्सपेंस अपने फंड में से कर नहीं चुका होगा, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो नहीं चुकी होंगी? तो आपको ये वाला एक्सपेंस देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्टिविटीज परफॉर्म, एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है, उसकी लोन भी ले चुका है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, बोरिंग कॉस्ट भी इनकर हो रही है। तो हम लोग कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन FAB 22 को करेंगे। अगर ऐसा होता कि हमें ये कह देता कि अपने फंड्स नहीं थे और हम लोग फाइनेंस ही स्पेसिफिक से करवा रही हैं, और अब कहता कि लोन ऑब्टेन किया FAB 22 को और फर्स्ट पेमेंट की मार्च 4th को, तो कमेंसमेंट डेट मार्च 4th। अब यहाँ पे देखें मार्च 22, व्हेन ऑल थ्री क्राइटेरिया फॉर कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन हैव बीन मेट। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखें, कहता है ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द प्रोजेक्ट रिमेन्ड क्लोज फ्रॉम अप्रैल 22 टू मई 9। द वर्क वॉज ऑल्सो स्टॉप्ड फॉर अ वीक फ्रॉम 23rd मई टू मई 30th, so that necessary plan and layouts can be finalized after testing the project completed so far। हाँ जी, सस्पेंशन है दो, एक हमारे पास हो रही है अप्रैल 25 टू मई 9, दूसरी हो रही है मई 23 टू मई 30। कौन सी सस्पेंशन कंसीडर करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे? जो फर्स्ट वाली है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाली, वो सस्पेंशन है और उसमें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, राइट? और जो नेसेसरी है 1 वीक मई 23 टू 30th में, ये सस्पेंशन नेसेसरी थी कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। इसको सस्पेंशन कंसीडर नहीं करना। अब देखिए बी ऑप्शन, मस्ते अप्रैल के बारे में पूछा था तो कहेंगे सस्पेंड कैपिटलाइजेशन एज एक्टिविटीज एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और जो नेक्स्ट है कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन, सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाज स्टिल बीइंग कैरीड आउट। लास्ट वन इज द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन जुलाई 31, 2011, एक्सेप्ट दैट सम साइन बोर्ड could not be installed until August 10th. Loan was repaid August 31st. Lord Cord Limited started using the plant on September 1st, 2011. बेटा कैपिटलाइजेशन सीज हो जाती है जब सब्सटेंशियल काम कंप्लीट हो चुका हो, और वो कब कंप्लीट हुआ हमारे पास? जुलाई 31st, कैपिटलाइजेशन आपने सीज कर। लेकिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ? September 1st में जाकर अवेलेबल फॉर यूज, डेप्रिसिएशन September 1st से स्टार्ट करोगे। अपने पास एसिड रिकॉर्ड September 1st से जाके करोगे। अब देखिए तो July 31st व्हेन एसिड वाज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, आई होप कि ये बातें आप सब बच्चों को समझ आ चुकी हैं। यहां तक किसी को कोई इशू? नेक्स्ट बेटा, जहां एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसिड्स एंड डिस्क्लोजर्स वगैरह, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।